राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस के छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा। कॉलेज के वार्षिक समारोह धरोहर एक सांस्कृतिक एहसास 2024 के नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में वर्ष भर विभिन्न खेलकूद कल्चरल एकेडमिक प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस में चल रहे दो दिवसीय वार्षिक समारोह धरोहर एक सांस्कृतिक एहसास का समापन हो गया। राव कृष्णपाल सिंह प्रेक्षागृह में आयोजित हुए समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि व राजा बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव युवराज अमरेश पाल सिंह, गवर्निंग काउंसिलिंग की सदस्य युवरानी अपराजिता कुमारी, कॉलेज के निर्देशक एकेडमिक डॉक्टर एएन सिंह, निर्देशक वित्त एवं प्रशासन डॉक्टर पायल गर्ग ने मां सरस्वती व राजा बलवंत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम के दौरान वर्ष भर कैंपस में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार व ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवराज अमरेश पाल सिंह ने कहा कि कॉलेज का उद्देश्य छात्रों को केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनको सर्वांगीण विकास करना है, जिनके लिए निरंतर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने का हर संभव प्रयास किया जाता है। वहीं इस अवसर पर कैंपस के निदेशक व विभिन्न शिक्षकों की ओर से भी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। उनका मानना था कि इस तरह की प्रतियोगिताएं व गतिविधियां छात्र छात्राओं को भविष्य में टीमवर्क के साथ कार्य करने का हुनर सिखाती हैं, साथ ही उनमें लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा करती हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हमारा हर साल की तरह इस साल भी एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट है जिसका नाम हम धरोहर रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है धरोहर का मतलब, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि धरोहर यानी कि अपने भारतीय संस्कृति को एक धरोहर की तरह बच्चा संजोए। उसमें विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करके अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। वार्षिक समारोह में सोलो डांस में शोभित विजय रहे, डिबेट में ऋतिक चौहान प्रथम स्थान पर रहे, पोस्टर प्रतियोगिताओं में आशा व कुणाल कुशवाहा प्रथम रहे, आर्ट फ्रॉम वेस्ट में कुणाल कुशवाहा प्रथम रहे, मेहंदी डिजाइन प्रतियोगिता में हेमंत नायक व ललितेश प्रथम रहे, रंगोली प्रतियोगिता में श्रुति चौहान फौज व निकिता प्रथम रहे, साथ ही सोलो सिंगिंग में तनिषा गुप्ता प्रथम रही, कोडिंग में केशव कश्यप, बेस्ट शूट ऑन दी स्पॉट में शिखा रावत ने विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। इसके साथ ही शैक्षिक सत्र 2022-23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। हम ये एक धरोहर सांस्कृतिक एहसास, ये दो दिवसीय कार्यक्रम है अपने राजा बलम सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस में मना रहे हैं। कल 21 और 22 यानी आज 22 तारीख को इसका समापन समारोह है। आज ये समापन समारोह के उपलक्ष्य में हम जो भी छात्र इसमें प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको निखारना है। छात्र बहुत सारे कंपटीशन में बैठते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी और किस तरीके से टीम वर्क करके अपना जो जीवन है वो कैसे सफल बना सकते हैं, और हम छात्रों को मोटिवेट भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें प्रतिभाग करते हैं और वो अपना जो कैरियर है, अपने जो क्षेत्र है उसमें कैरियर में बनाने में उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो होता है, जो पर्सनैलिटी उसकी ओवरऑल डेवलप होती है, उसके लिए ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है एवरी ईयर। राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस में आज धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये हमारे संस्थान का वार्षिक महोत्सव है जिसमें छात्र छात्राएँ उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं, क्योंकि प्रतिभा जो छिपी हुई प्रतिभा है वही आगे चल के उनके व्यक्तित्व का आधार बनता है। तो ये सभी छात्र छात्राएँ अपने जो प्रतिभाएं हैं, जैसे कोई डांस अच्छा करना जानता है, जैसे कोई डिबेट करना अच्छा जानता है, जैसे और भी कोई क्रिएटिव वर्क पोस्टर बनाना जानता है, उन सब के लिए एक यह महोत्सव आयोजन किया गया है। इसे बढ़ चढ़ करके छात्र छात्राओं ने, हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया है और बहुत ही सकारात्मक
और रचनात्मक ढंग से इस कार्यक्रम में सभी ने भागीदारी दी है। कैंपस की ओर से दिए गए इस सम्मान को प्राप्त कर छात्र छात्राएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।